सिर्फ गवर्नमेंट हाई स्कूल और गवर्नमेंट पीयू कॉलेजेस में लागू होगा, डिग्री का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में भी लागू नहीं होता और प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी ये ऑर्डर लागू नहीं होता। रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो हिजाब पहनकर, जो स्काफ पहनकर, जो कॉलेज के अंदर, कॉलेज क्लासरूम के अंदर जो परमिशन के लिए पूछा गया था कि इट इज़ एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस इसको अलाउ किया जाए, उसको उन्होंने रद्द किया है। सिर्फ क्लासरूम्स के अंदर डिग्री कॉलेजेस, गवर्नमेंट पीयू कॉलेजेस और गवर्नमेंट हाई स्कूल्स के अंदर नॉट अलाउड है, बाकी किसी जगह रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ओनली क्लासरूम्स के अंदर। आपका कहने का मतलब है कि प्राइवेट कॉलेजेस हो, जो माइनॉरिटी किस, वहाँ पे कहीं नहीं लागू होता, सिर्फ गवर्नमेंट के हाई स्कूल और गवर्नमेंट के कॉलेज में ही ये लागू होगा? हाँ, सिर्फ गवर्नमेंट हाई स्कूल और गवर्नमेंट पीयू कॉलेजेस में लागू होगा, डिग्री का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में भी लागू नहीं होता और प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी ये ऑर्डर लागू नहीं होता, क्योंकि उसका वहाँ पे ये क्वेश्चन ही नहीं है। सर, आप तो कुंदापुरा के स्टूडेंट्स के पिटिशनर हैं, क्या आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट में आपको मौका मिला आपकी बात को सामने सबमिशन करने का? हमारा डिग्री कॉलेजेस के लिए अदालत है, ये क्वेश्चन है पीयू कॉलेजेस के वास्ते। डिग्री कॉलेजेस के स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया गया था वहाँ, जहाँ जिनको अलाउ करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस किया गया था, हिजाब के साथ क्लासरूम्स के अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा था, उसके लिए डाला है उसको, वो ऑर्डर को सेपरेट, वो हमारे पिटीशन को सेपरेट किया है, क्योंकि यहाँ पे मसला था कि हाई स्कूल और पीयू कॉलेजेस के वास्ते, हमारा डिग्री कॉलेजेस के लिए है, वो जजमेंट आ जाएगा इंशाल्लाह। सर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने, आपकी पूरी टीम ने इतने सारे सबमिशंस ऑनरेबल कोर्ट को किए, जहाँ पर आपने कुरानिक वर्सेस दिखाए, साउथ अफ्रीका जजमेंट दिखाया, आपने मलेशिया हाईकोर्ट का जजमेंट भी आपने दिखाया, इतना सारा होने के बावजूद वे यू पीपल फेल्ड इन कन्विंसिंग द ऑनरेबल कोर्ट दैट हिजाब इज ए पार्ट ऑफ इस्लाम प्रैक्टिस। वी हैव नॉट फेल्ड इन कन्विंसिंग द कोर्ट। हर एडवोकेट ने अपनी तरह से, पूरी तरह से कोई भी एक भी कोना नहीं छोड़ा, एक भी रिसर्च नहीं छोड़ा, एक भी सबमिशन नहीं छोड़ा, अच्छी तरह से माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया, कमी कहीं नहीं है, बट उनका व्यू ऑब्जर्वेशन, जो जजेस का जो जजमेंट दिया उनका ऑब्जर्वेशन अलग नज़रिए से है, तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सर, ये कन्फ्यूजन एक हमने देखा होगा कि पिछली बार जो इंटरिम ऑर्डर था उस वक्त कई सारे टीचर्स को भी रोका जा रहा था कॉलेजेस में, आप एक बार दोबारा बता दीजिए कि किस पे लागू होता है, किस पे लागू नहीं होता? ओनली स्टूडेंट्स पीयू कॉलेज, गवर्नमेंट पीयू कॉलेज स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट हाई स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए लागू होता है, ना कि टीचिंग स्टाफ के वास्ते। टीचिंग स्टाफ वहाँ पे भी, गवर्नमेंट स्कूल्स हो या गवर्नमेंट पीयू कॉलेजेस हो, वहाँ पे टीचर्स हिजाब के साथ जा सकते हैं, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सर, अब ये मामला डेफिनेटली अपेक्स कोर्ट में जाएगा, ताकि आगे की कार्रवाई करें, क्योंकि आप कुंदापुरा के स्टूडेंट्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं, जो कुंदापुरा के और उड़पी पीयू कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ के लिए हम एडवोकेट कामत हैं और दूसरे एडवोकेट्स हैं, वो लोग तैयारी कर रहे हैं SLP डालने के लिए, रिट पिटीशन डालने के लिए, ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। सर, स्टूडेंट्स के लिए क्या अपील है आपकी? स्टूडेंट्स के लिए बस मायूस मत हो, उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे हक में फैसला करेंगे इंशाल्लाह, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये दुनिया जजा की जगह नहीं है, ये जजा देने वाला अल्लाह है, मरने के बाद में वहाँ पे अल्लाह ताला नियतों के ऊपर फैसला करता है। किस अगर हमारी नीयत है कि हम इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो करें, पर्दे को फॉलो करें, हमारी नीयत है, तो वो नीयत के ऊपर फैसला करेगा। और एक मैसेज क्या है, हमारे मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस अगर डेवलप हो जाएं तो ऐसे कोई बात नहीं रहेगी इंशाल्लाह।